तो देखिए आपने अब तक की 25 बड़ी खबरें, अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफर की सबसे पहले ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का दावा, रूस के परमाणु हमले से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। भारतीय नौसेना को मिलेगी नए सबमरीन, वॉकशीट की ताकत प्रोजेक्ट 75 के तहत आखिरी पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू। गुजरात के भुज को मिली 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात, प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। मैदानी इलाकों में गर्मी ने दिखाया अपना प्रकोप, हिल स्टेशन पर सैलानियों की भीड़ लगी। रणबीर और आलिया की शादी की तस्वीरें बनी ट्रेंडिंग न्यूज, वरमाला के लिए घर वालों ने रणबीर को गोद में उठा लिया। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं अदिति, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए नौसेना को मिलने जा रही है एक और नई ताकतवर पनडुब्बी की ताकत। जी हां, INS वॉकशीर का आज से समुद्री परीक्षण शुरू होने जा रहा है। समंदर में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद इस पनडुब्बी नौसेना से एक नई ताकत मिलेगी और ये नौसेना का एक हिस्सा भी बन जाएगी। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत, लहरों को चीरते एयरक्राफ्ट कैरियर, गहरे पानी में गोते लगाती पनडुब्बियां, समुद्र के तल से आसमान तक मिसाइलों का पहरा, भारतीय नौसेना की इस ताकत को और बढ़ाने के लिए एक नया सिपह सालार तैयार है। भारत में बने अत्याधुनिक पनडुब्बी INS वाकशीर का आज से समुद्री परीक्षण शुरू हो गया। नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी तक 5 पनडुब्बियों को समंदर में उतारा जा चुका है। अब इस प्रोजेक्ट की आखिरी कड़ी INS वाकशीर का सामना भी समंदर की लहरों में होने लगा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत यह आखिरी पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल की जाएगी। समुद्र में उतरने के बाद सबमरीन वाकशीर का करीब एक साल तक समुद्री परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान हर मुश्किल हालात से निपटने में इसकी काबिलियत परखी जाएगी। तेज लहरों से इसका सामना होगा, गहराई में तेज रफ्तार से घूमने की क्षमता परखी जाएगी, युद्ध जैसे हालात में हमला करने की ताकत को भी मापा जाएगा। सारे पैमाने पर खरा उतरने के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जाएगा। वाकशीर पनडुब्बी में ऐसी कई खूबियां हैं जो हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ा सकती है। यह आधुनिक नेविगेशन प्रणाली से लैस है, इसे एंटी सबमरीन वॉर में महारत हासिल है, दुश्मन की खुफिया जानकारी हासिल करने में इसका कोई तोड़ नहीं, पल भर में समंदर में माइंस बिछा सकती है। इसके आधुनिक उपकरण पूरे इलाके की निगरानी कर सकते हैं। इस पनडुब्बी को मझगांव डॉक्स शिपयार्ड में बनाया गया है। यह पनडुब्बी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से देश में ही बनाया गया है। यह कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इस क्लास की पनडुब्बी की लंबाई 221 फीट, चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट होती है। इसमें 4 SE-84 डीजल इंजन लगे हुए हैं। इसमें 360 बैटरी सेल लगे होते हैं। समंदर की सतह पर यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पानी के अंदर यह 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पानी के अंदर यह एक बार में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सकती है। यह 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। बिना किसी दिक्कत के यह 350 फीट की गहराई तक गोते लगा सकती है। इसमें 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी सवार हो सकते हैं। इसमें 18 टॉर्पीडो मिसाइल तैनात की जा सकती है। ये एक बार में 30 माइंस बिछा सकती है। INS वाकशीर के शामिल होने के बाद नौसेना में कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बियां हो जाएंगी। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत तीन तरफ समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी तीन तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर,
हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए सुरक्षा घेरा तैयार करती है। भारतीय नौसेना अत्याधुनिक युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बी से लैस है। अब नौसेना को नई ताकत देने की तैयारी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौसेना समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ हवाई निगरानी की क्षमता भी बढ़ा रही है। नौसेना का ताकतवर निगरानी विमान P-8I इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। नौसेना की निगरानी का बादशाह P-8I, भारत का ये ताकतवर विमान इन दिनों सैन्य अभियान के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ग्यारह अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के साथ ये विमान अपनी काबिलियत का इम्तिहान दे रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर समय में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना के जवान रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ अपने तालमेल को परखेंगे। अगर समंदर में युद्ध जैसे हालात हुए तो ये विमान आसमान से ही नौसेना को कई अहम जानकारियां दे सकता है। P-8I विमान को समंदर में लंबी दूरी की निगरानी करने में महारत हासिल है। एक बार ये विमान आसमान में पहुंच जाए तो इसका ताकतवर रडार हर छिपे हुए खतरे को दूर से भांप लेते हैं। P-8I कई ताकतवर रडार से लैस है। इसके रडार गतिशील टारगेट को बारीकी से पहचान लेते हैं। दूसरे रडार से सिग्नल को ये बखूबी पहचान लेता है। समंदर की सतह पर मौजूद युद्धपोत को यह कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। समंदर की सतह के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसकी नजर से बच नहीं पाती। पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए इसमें सोनो बॉयज लगे होते हैं। P-8I विमान को एंटी सबमरीन वॉरफेयर में महारत हासिल है। यह विमान समंदर की सतह के नीचे छिपे पनडुब्बियों को सोनो बॉयज की मदद से ढूंढता है। सोनो बॉयज को विमान पैराशूट की मदद से पानी में गिरा देता है। ये सोनो बॉय पनडुब्बी के सिग्नल को पहचान कर फौरन विमान को संदेश भेजते हैं। पानी की सतह पर मौजूद युद्धपोतों को भी ये सोनो बॉय पहचान लेते हैं। एक बार उड़ान भरने के बाद ये करीब 2,222 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। ये करीब 4 घंटे तक लगातार एंटी सबमरीन वॉरफेयर में शामिल हो सकता है। इसमें 4 हार्पून मिसाइलें भी हैं, जिसकी मारक क्षमता 270 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तक वार करने में ये 5 टॉर्पीडो मिसाइलें भी लोड कर सकता है। इनमें एक मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जो इसे दूसरे मिसाइल से बचाता है। P-8I विमान भारतीय नौसेना में पहली बार 2013 में शामिल किया गया था। हाल ही में P-8I विमान के नए बेड़े को नौसेना में शामिल किया गया है। यानी एक तरफ हिंदुस्तान अपनी पनडुब्बियों की फौज बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ इन पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ाने के लिए P-8I जैसे विमानों के बेड़े को भी मजबूत किया जा रहा है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का अब आपको एक और रंग दिखाते हैं। ये रंग है खुशी का, उत्सवों का रंग है ये, जो पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मदुरै में चिथिराई तिरुविझा महोत्सव का जश्न देखते ही बन रहा है। इस मौके पर रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मीनाक्षी मंदिर का ये सबसे बड़ा समारोह होता है और ये भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव और देवी मीनाक्षी की शादी का पर्व माना जाता है। हर साल श्रीहरि के आगमन का जश्न मनाने के लिए ये आयोजन यहाँ पर होता है। उत्सवों के देश हिंदुस्तान के महोत्सव की ये एक और तस्वीर है। भाव और भक्ति से भरी खुशियों की तस्वीर, जिसमें श्रद्धालुओं का अपार उत्साह है, हृदय में हिलोरे मारती उमंग है।
तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई की हैं, जहां चित्राई महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव और देवी मीनाक्षी की शादी के बाद पूरे रंग में रथ यात्रा निकाली गई है। शहर के चारमासी स्ट्रीट से होते हुए रथ यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की तादाद में भक्त अपने भगवान की सवारी में शामिल हुए हैं। मीनाक्षी मंदिर का यह सबसे बड़ा समारोह होता है। ये भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव और देवी मीनाक्षी की शादी का पर्व है। हर साल श्री हरि के आगमन का जश्न मनाने के लिए ऐसे ही पूरी शान और श्रद्धा से आयोजन होता है। कल मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भगवान शिव और मीनाक्षी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए और शादी की इस अद्भुत तस्वीर को अपने कैमरों में कैद किया। भक्तों में कई ऐसे जोड़े भी थे जिनके हृदय में शिव और मीनाक्षी की तस्वीर थी और मन में उनकी तरह ही आदर्श जीवन की ख्वाहिश। दरअसल इस शादी के शुभ समय के दौरान मदुरई की महिला भक्तों के लिए अपने मंगलसूत्र को एक नए मंगलसूत्र से बदलने की प्रथा है। चित्राई महोत्सव 15 दिनों तक मनाया जाता है। महोत्सव की शुरुआत पहले दिन ध्वजरोहण से होती है। देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर दोनों को अलग अलग वाहनों में हर दिन चार मासी सड़कों पर ले जाया जाता है। उत्सव के 8वें दिन देवी मीनाक्षी का राज्याभिषेक होता है। हर साल लाखों लोग देवी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर अजगर और त्रिपुरनकुंद्रम मुर्गन के दर्शन के लिए आते हैं। इस साल चित्राई महोत्सव का बेसब्री से इंतजार भक्तों को इसलिए भी था क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना महामारी की पाबंदियों की वजह से इस महोत्सव से रौनक गायब थी। मंदिर प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के कारण भक्तों के बिना त्योहार मनाया था, लेकिन इस साल जब कोरोना का खतरा ना के बराबर है तो चित्राई महोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको देश में मनाए जा रहे उत्सवों के और भी रंग दिखाएंगे। भारत में कई राज्यों में परंपरागत तरीके से नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा में उड़िया नव वर्ष के मौके पे महाविशुबा संक्रांति पूरे धूमधाम से मनाया गया। इसे पना संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये एक ऐसा त्योहार है जो पूरे ओडिशा में हिंदुओं और बौद्धों के बीच पारंपरिक तरीके से नए साल के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। ये हर साल 14 अप्रैल को पड़ता है। नए साल की परंपरागत शुरुआत का जश्न तमिलनाडु में भी मनाया गया। यहाँ भी भक्तों ने भगवान से नव वर्ष में सुख और समृद्धि की कामना की। इस खास मौके पर मुट्टू मरियम्मन मंदिर में सोने चांदी और हीरे से मंदिर की सजावट की गई और माँ अंबिगई मुट्टू मरियम्मन की मूर्ति को सोने के आभूषणों से सजाया गया। हीरे मोती नोट माँ के चरणों में अर्पित किए गए। तमिलनाडु में चित्तिराई महीने में मनाए जाने वाले नए साल के तौर पर इस दिन माँ अंबिगई मुट्टू मरियम्मन की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। असम में नए साल का आगाज रोंगाली बिहू उत्साह के साथ हुआ। इसे बिगाह बिहू के नाम से भी जाना जाता है। असम में ये त्योहार एक हफ्ते तक धूमधाम से मनाया जाता है। रोंगाली बिहू के पहले दिन मवेशियों को ताजी हल्दी काली मसूर के पेस्ट से धोया जाता है। इस दौरान लोग लाव खा बैंगना खा बोसौर बोसौर बरहीजा गीत गाते हैं और मवेशियों की पूजा करते हैं। इस दौरान गायों को लौकी और बैंगन खिलाया जाता है। और चलिए ये रंग तो अदिति ने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं उस महोत्सव की जिसकी भव्यता की गवाह पूरी दुनिया 17 अप्रैल को बनेगी। कानपुर में सबसे बड़े राम महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस महोत्सव में एक नहीं दो नहीं पूरे 6000 भगवान राम की मूर्तियां विशाल मूर्तियों को पुष्पक विमान में बिठाया जाएगा। साथ ही इसमें 1100 हनुमान भी बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पुष्पक विमान भी काफ़ी लंबा चौड़ा होगा। तो इसके लिए 200 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा हंस का पुष्पक विमान तैयार किया गया है, बनाया गया है। इस विशाल और विराट कार्यक्रम की तैयारी कानपुर में पूरे जोर शोर के साथ चल रही है।
और अब आपको दिखाते हैं गुजरात के सूरत से आए रमजान के पाक महीने की एक तस्वीर जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रही है। खास बात यह है कि ये मिसाल स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने कायम की। भाईचारे की तस्वीर जितनी प्यारी है, संदेश उससे कहीं बड़ा है। रमजान के पाक महीने की इससे पवित्र तस्वीर भला और क्या होगी। गंगा जमुनी तहजीब की ये मिसाल पेश की है छोटे छोटे बच्चों ने और सबक दिया है उन लोगों को जो दो धर्मों के बीच दीवार खड़ी करते हैं, अल्लाह और भगवान में फर्क करते हैं। गुजरात के सूरत से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव झांकड़ा की ये तस्वीर है जहाँ एक स्कूल में बच्चे अपने मुस्लिम साथियों को इफ्तार करवा रहे हैं। खास बात यह है कि धर्मों के फर्क को मिटाकर सभी बच्चे एक साथ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे हैं। बड़े होकर एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। एक दिन रोजा खिलाते हैं, हमारे पैसे से लाके तरबूज ऐसा फल हम मुस्लिम भाई को खिलाते हैं। हम मिलकर ही जो रहने की हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सरके ये कुछ अलग अलग नहीं। इस स्कूल में हर साल रमजान भी मिलजुल कर मनाई जाती है और दिवाली होली भी। बच्चे अपने पॉकेट मनी से बचत करते हैं और उन पैसों से मिलजुल कर त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली और होली में मुस्लिम छात्र हिंदू छात्रों को मिठाई बांटते हैं और रमजान में हिंदू छात्र मुस्लिम छात्रों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। जाहिर है आपसी भाईचारे की जो नींव स्कूल में रखी जा रही है वो आने वाले दिनों में प्रेम और सहिष्णुता का ऐसा परिवेश बनाएंगे जहां वैमनस्यता की कोई जगह नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भले ही समाज आज 21वीं सदी में जी रहा हो लेकिन कन्या भ्रूण हत्या या नवजात शिशु के परित्याग के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी मौजूद है जो परिवार में बेटी के जन्म का इंतजार कर रहा है। ऐसा परिवार पुत्र की अपेक्षा पुत्री के जन्म से ज़्यादा सुखी होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपनी बेटी के पैदा होते ही उसे बधाई भी देते हैं। सूरत शहर के एक हीरा उद्योगपति के घर में बेटी ने जन्म लिया तो उद्योगपति परिवार ने खुशी से गुलाबी रंग वाली बस में बैठाकर शहर भ्रमण भी करवाया। सूरत की सड़कों पर शान से चल रही ये पिंक बस जितनी खूबसूरत दिख रही है उसका संदेश उससे कहीं बड़ा है और इसके पीछे कहानी बहुत दिलचस्प है। सालों से घर में बेटी के पैदा होने का इंतजार कर रहे हीरा व्यापारी श्रेयांश ढोलकिया के आशियाने में जब बेटी के शुभ कदम पड़े तो खुशियां फूट पड़ी। पूरा परिवार बेटी को पाकर गदगद हो गया। नवजात बेटी को अपनी गोद में लेकर श्रेयांश ढोलकिया पूरे परिवार के साथ पिंक बस में सवार होकर शहर भ्रमण पर निकल पड़े। 40 साल से कोई बेटी घर में नहीं थी। बेटी ही होती है जो पूरा एक परिवार का, एक संसार का, मतलब एक संसार चलाने के लिए बेटी जरूरी है। बेटी बनती है, बहू बनती है, फिर माँ बनती है, तो वैसे वो संसार के लिए एक बेटी की जरूरत है। अपने यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो गर्ल्स बॉयज का रेशियो है वो थोड़ा गर्ल्स कम है, तो ये पूरा देख के हमको ऐसा लगा कि अगर बेटी हमारे घर में आ रही है तो हमको तो बहुत ही उत्साह हो रहा था। आप सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात है वो सोच जिससे ये बस सफेद से गुलाबी हो गई। बड़ी बात है वो संदेश जो शब्दों और चित्रों के जरिए बस की बॉडी पर नजर आया। दरअसल बेटी के पैदा होने की खुशी में पूरे परिवार ने इसे उत्सव की तरह मनाने का फैसला किया। श्रेयांश ने जब अपनी निजी लग्जरी वैनिटी बस को सफेद रंग से गुलाबी रंग में बदलवाया
बस पर अंग्रेजी में इट्स अ गर्ल लिखा और प्रतीकात्मक बेटी का चित्र बनवाकर अपनी खुशी और संदेश को शहर के लोगों तक पहुंचाने के लिए पिंक बस में सब परिवार सवार होकर शहर भ्रमण पर निकल पड़े। बेटी अगर आ रही है तो आप समझे कि आप बहुत ही पुण्यशाली है, सबको बेटी चाहिए लेकिन वो मिलती नहीं है, तो अगर आपके वहाँ पे बेटी आ रही है तो आप उनका लक्ष्मी जी आप पधार रही है वैसा ही स्वागत कीजिए और ये जो हमारा रेशियो है उसको ब्रेक कीजिए, क्योंकि वरना हमारी संस्कृति का रूप काफी बिगड़ जाएगा आने वाले समय में। श्रेयांश ढोलकिया की बेटी के जन्म की खुशी जिस अनोखे अंदाज में मनाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समाज को जो संदेश दिया उसकी तारीफ अब हर ओर हो रही है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज ये स्टोरी का सार अदिति ये निकलता है कि लोगों की सोच बदल रही है, जो हम सभी को और आप सभी को इंस्पायर भी करती है। क्यों? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल है और डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि बेटी के होने पे कोई खुशी मना रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, इसलिए सैलानी पहाड़ी इलाकों का रुख करने लगे हैं। शिमला में भी पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है और कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन में रिजर्वेशन तक नहीं मिल रहा, इसलिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। शिमला में मौसम सुहाना है, इसलिए सैलानियों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। हर चौराहे पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। मैदानी इलाकों में काफी गर्मी है, इसलिए शिमला का यह मौसम सैलानियों को खूब भा रहा है। जब शिमला जाने के लिए लोगों की बेताबी बढ़ी है तो कालका शिमला हेरिटेज टॉय ट्रेन में सीट की डिमांड में भी तेजी आई है, जिससे वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है। इसलिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक समर स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिससे यात्रियों में खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है ये। फिलहाल तो बच्चे को लेके आए थे, पहली बार लेके, 3 साल की बेटी है मेरी, बहुत खुश हो रही है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। माय गुड लक के मेरे को ट्रेन मिल गई, मेरी तो सीट नहीं थी रिजर्व में। रेलवे ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले रिजर्वेशन करवानी थी हमने, उस पे आनी थी, बट हमें पता लगा एक ट्रेन और है फिर 1 बजे जो आज चली है, इसलिए हम फिर इस पे आ गए। कालका शिमला रूट पर पहले से ही 5 टॉय ट्रेन रोजाना चल रही हैं, लेकिन समर स्पेशल के शुरू होने से अब ये संख्या 6 हो गई है। ये टॉय ट्रेन रोजाना दोपहर 1:05 पर कालका से शिमला के लिए चलेगी और शाम 6:30 शिमला पहुंचेगी। अगले दिन सुबह ये ट्रेन 9:20 पर शिमला से चलकर दोपहर 3:50 पर कालका पहुंचेगी। कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक को यूनेस्को ने जुलाई 2008 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस ट्रैक पर 103 सुरंगें और 48 डिग्री के कोण पर घूमने वाले डिब्बे यात्रियों के सफर को रोमांचकारी बनाते हैं। शिमला से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, बदलते वक्त के साथ रेलवे भी बदल रहा है। कभी ट्रेनें भाप के इंजन के साथ दौड़ा करती थी, जिसके बाद डीजल इंजन ने अपनी जगह ले ली। अब रेलवे तेजी के साथ विद्युतीकरण पर फोकस भी करने लगाया है। रेलवे ने तय किया है कि 2030 तक देश की पटरियों से डीजल इंजन को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। स्टीम इंजन की तरह ही रेलवे के लिए इतिहास बन जाएगा डीजल इंजन। जी हाँ, रेलवे ने फैसला किया है कि 2024 तक सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण कर लिया जाएगा और आने वाले 2030 तक सभी रेलवे रूटों से डीजल इंजन को हटा लिया जाएगा। तस्वीरें समस्तीपुर डीजल शेड की हैं। यहाँ पर तमाम तरह के डीजल इंजन रिटायरमेंट की कगार पर खड़े हैं। जो कुछ बच गए हैं वो रेलवे के लिए थोड़े बहुत काम के हैं। समस्तीपुर रेल मंडल का दावा है कि आने वाले दिनों में यहाँ से डीजल इंजन की विदाई हो जाएगी। इस क्षेत्र में जो भी हमारे लोकोमोटिव चलेंगे उनको डीजल लोकोमोटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई भी पावर चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, क्लीन एनर्जी का यूज होगा। एक वक्त था जब यही डीजल इंजन रेलवे के लिए गति की क्रांति के दूत बनकर आए थे और स्टीम इंजन को ट्रैक छोड़ने की वजह बने थे, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं रहता है। अब यही डीजल इंजन इतिहास बनने जा रहे हैं और उनका स्थान तेजी से इलेक्ट्रिक इंजन लेते जा रहे हैं। विद्युतीकरण से और कम लागत आएगी हमारे उसको चलाने में,
तो बहुत ही एफिशिएंट वर्किंग हो जाएगी और थोड़ी गाड़ियों की गति बढ़ेगी, तो इससे सभी को लाभ होगा। इलेक्ट्रिक इंजनों के इस्तेमाल से रेलवे की स्पीड तो बढ़ी ही है, पर्यावरण के लिए भी ये अनुकूल है। रेलवे ने ट्रेनों में हेड ऑन जनरेशन तकनीक की भी शुरुआत कर दी है, यानी अब किसी भी कोच में बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर यान पर निर्भरता नहीं रहेगी। कोच में ओवरहेड केबल से सीधे बिजली की आपूर्ति होगी। कई ट्रेनों में हेड ऑन जनरेशन तकनीक को शुरू कर दिया गया है। डीजल पर निर्भरता कम होने से रेलवे का मुनाफा तो बढ़ेगा ही, यात्रियों को भी कम कीमत में आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। 2020 में जब पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, तभी उन्होंने कहा था कि भारतीय रेलवे दुनिया का पहला ऐसा रेलवे होगा जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा। साथ ही हम दुनिया के पहले रेलवे नेटवर्क होंगे जो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त होगा और स्वच्छ ऊर्जा से ट्रेनों को चलाएगा। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। टीम इंडिया के धुरंधर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर रियान पराग के साथ में बिहू डांस कर रही हैं। रियान पराग ने धनश्री को बिहू का एक तोहफा भी दिया और देखते ही देखते ही ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दूसरों की मदद करना ही इंसानियत की मिसाल है। इसी मिसाल की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बहते पानी में जब एक डॉग बुरी तरह फंस गया तो उसे एक शख्स ने जेसीबी की मदद से बचा लिया। वो खुद अपनी जान जोखिम में डालकर जेसीबी में बैठ गया और फिर वक्त रहते डॉग को पानी से निकाल लिया। इस चिंपैंजी के ठाट देखिए, देखकर ना आप हैरान हो जाएंगे। जू में इनके लिए खास तरीके के इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा झूले पर आराम फरमा रहे हैं, आंखों पर चश्मा है, बड़े आराम से केले खाने में मशगूल हैं। इस चिंपैंजी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और लोग इसको खूब लाइक भी कर रहे हैं। अब देखिए इस नन्हे से बच्चे को इसका ये डांस इन दिनों सोशल मीडिया पे लोगों का दिल जीत रहा है। ये बच्चा सहारा लेकर सीढ़ियों पे खड़ा हुआ है, लेकिन म्यूजिक सुनते ही वो खुद को डांस करने से नहीं रोक पाता और इस मजेदार वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को कलिंगा हॉकी स्टेडियम में FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। 4 साल में एक बार आने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच में किया जाएगा। हॉकी इंडिया इसके आधिकारिक साझेदार ओडिशा 2018 में इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद देश लगातार दूसरी बार इस इवेंट की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के 15वें सीजन का आयोजन 2 शहरों भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा, जहां देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण भी किया जा रहा है। नए विश्व स्तरीय स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। लोगों का अनुवरण करने के बाद नवीन पटनायक ने कहा कि लगातार दूसरी बार FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के लोगों का अनावरण करना मेरे लिए बड़े सम्मान और खुशी की बात है। प्रतिभाओं से भरा इंसान अक्सर अपने अनोखे तरीके से सबको चौंका देता है। देश में घटते सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को देखते हुए इंदौर के एक व्यक्ति ने ऐसा ही काम किया है जिससे हर कोई उसकी प्रशंसा करते थक नहीं रहा। विनोद जोशी नाम के इस व्यक्ति ने एक छोटे से किराए के कमरे के अंदर सिंगल स्क्रीन सिनेमा संग्रहालय बनाया है, जिसे उसने इंदौर सिनेमा संग्रहालय नाम दिया है। कहते हैं शौक एक बड़ी चीज है और इसे साबित करते हैं इंदौर के एक शख्स विनोद जोशी। सिनेमा के तो कई संग्रहालय आपने देखे होंगे, लेकिन सिनेमा घर संग्रहालय कभी देखा क्या सुना भी नहीं होगा।
विनोद जोशी ने अपने शौक के लिए किराए का एक कमरा लेकर ये सिनेमा घर संग्रहालय बनाया है। विनोद जोशी पेशे से पुस्तकों का व्यापार करते हैं, लेकिन बचपन का फिल्में देखने का शौक अब ऐसा हावी हुआ कि ये संग्रहालय अस्तित्व में आ गया। गुजरते वक्त के साथ जिस तरह से सिंगल स्क्रीन टॉकीज का क्रेज कम हुआ और एक के बाद एक टॉकीज बंद होने लगी, तो विनोद के मन में कुछ अलग करने का विचार आया। साल 2015 में विनोद जोशी ने एक संग्रहालय खोलने की शुरुआत की और कोरोना काल आते आते उन्होंने शौक को सिनेमा घर संग्रहालय में तब्दील कर दिया। मकसद यही कि सिनेमा घरों की पहचान कायम रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ सब कि जो सिंगल स्क्रीन का दौर है वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो बने रहना चाहिए, चाहे वो टैक्स की मार से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो। लेकिन जो दौर आज का देखते हैं अपन, उस दौर से कहीं ज़्यादा बेहतर सिंगल स्क्रीन का रहा है। सिनेमाघर का उद्देश्य ये भी है कि उनको सिंगल स्क्रीन के इतिहास के बारे में बताया जाए, तो जो ये प्रोजेक्टर है वो रीलो के द्वारा दिखाया जाता है, इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी इसी के अंदर है। 1917 से लेकर 2000 तक में जो भी सिंगल स्क्रीन बने हैं उसकी पूरी यात्रा है यहाँ पर, जिसको दिखाया गया है कि सिंगल स्क्रीन किस तरह के होते थे। इंदौर सिनेमा संग्रहालय अब कोई आम संग्रहालय नहीं बल्कि अपने आप ढेरों यादें समेटे है। ये संग्रहालय 1917 से साल 2000 तक सिंगल स्क्रीन सिनेमा की यात्रा की यादों से भरा हुआ है। इसके साथ ही इसने सिनेमा की दुनिया के बहुत से पहलुओं को बांध कर रखा है, जिससे यहाँ आने वाले लोग देख और महसूस कर सकते हैं। सिनेमाघर में सबसे पहले हम आते हैं तो टिकट लेते हैं, तो टिकट का कलेक्शन है। हम देखते हैं कि लॉबी कार्ड या पोस्टर देखते हुए ही व्यक्ति फिर अंदर हॉल में प्रवेश करता है, तो यहाँ लॉबी कार्ड है, पोस्टर है। उसके अलावा फिर यहाँ सिनेमाघर की प्रचार सामग्री है कि किस तरह से किस सिनेमाघर में कौन सी फिल्म लग रही है, तो पहले वो प्रचार सामग्री होती थी वो है। फिर जो सिनेमाघर के अंदर इंटरवल होता था तो वहाँ विज्ञापन दिखाए जाते, तो वो स्लाइड है यहाँ पर। ब्लॉग द्वारा किस तरह से पेपरों में, न्यूज़पेपर में ये जानकारी आती थी कि सिनेमाघर में कौन सी फिल्म लग रही है या ब्लॉग है। इसके अलावा सिनेमाघर के फोटोग्राफ है। सिनेमा घरानों, टिकट्स और उनके प्रचारों, पोस्टरों और उनकी कमाई के आंकड़ों से लेकर फिल्म रीलों तक संग्रहालय इतिहास के हर इंच पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा संग्रहालय में 9 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर तक की गूंगी फिल्मों के सिनेमा रील भी प्रदर्शित की गई। इस संग्रहालय में फिल्मों को भी पुराने प्रोजेक्टर के साथ दिखाया जाता है, जो अपनी तरह का एक अनूठा अनुभव देता है। यहाँ अक्सर बड़ी संख्या में लोग कतार में देखे जा सकते हैं, जिसके लिए महज उन्हें 1.60 रुपये का टिकट लगता है। विनोद जोशी की राज्य सरकार से मांग है कि इंदौर में अब सिर्फ 4 सिंगल स्क्रीन टॉकीज बचे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो अस्तित्व में रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लंच टाइम के साथवीं पड़ाव में अब आपको दिखाते हैं आज का विचार जो आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। बिल्कुल मिल गई है, आज फ्राइडे है, अब मिलेंगे मंडे को। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।